अदित सक्सेना। यस इंस्पेक्टर, मैं हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? आपको गिरफ्तार किया जाता है। लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं यहाँ पर। भाई अब जो कार्तिक है ना, उसको प्यार होता जा रहा है लक्ष्मी से। उसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है उसके साथ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि मंदिर में वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और गायत्री भी साथ में आ जाती है। अब गायत्री ना किसी पंडित को हाथ दिखाती है अपना, और यहाँ पर पंडित ना उनको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं, और उससे ना गायत्री के होश उड़ जाते हैं। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर? देखिए, मेरा नाम अदित सक्सेना है। शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग शायद किसी और अदित को ढूंढ रहे होंगे। या गायत्री बोलती है कि भाई अब मेरा हाथ दे के बताइए कि मेरे बेटे के साथ मेरी कैसी बनेगी, और मुझे वो मेरी इज्जत करेगा या नहीं। यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं इज्जत तो करेगा, लेकिन वो अपनी वाइफ के संग ज्यादा अच्छी तरीके से रहेगा, उसको बहुत प्यार करेगा, उसकी बहुत इज्जत करेगा। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आप पप्पू यादव से मिलने गए थे या नहीं? हाँ सर, गया था, पर उन्होंने आपके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और यहाँ पर आपको भी करेगा, लेकिन उसको भी करेगा। ये सुन के ना गायत्री के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई हमने देखा है ना, गायत्री तो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर गायत्री ये चाहती है कि सब कुछ अपने लड़के के लिए वो ही करे। यहाँ पर लक्ष्मी कुछ भी डिसाइड ना करे उसके लिए। और यहाँ तो ये पंडित जी बोल रहे हैं, आपने 1 लाख का फ्रॉड किया है, पुलिस स्टेशन में चलकर कहना। चलिए सर, मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो मिस्टर मोहन दास, हमारे कंपनी की जो GM है ना, उनके पैसे देने के लिए गया था। कि भाई यहाँ पर तो वो बहुत प्यार करेगा, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और वहीं आगे वो देख भी लेती है मंदिर में कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे। यहाँ पर जो लक्ष्मी है ना, वो कार्तिक की बाहों में भी उसको दिख जाती है, तो ये देख के उसको बहुत जलन होने लगती है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, है हीरो बनने की कोशिश मत कर, बहुत हो गया तेरा। अब अगर ज्यादा बोला ना तो मुंह पर पट्टी बांध दूंगा, समझे? चल सर प्लीज। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आदित भाई घर पर आ गया है, रात भर गायब था। और यहाँ पर सुबह जब आता है तो कुसुम उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे रात भर। तो यहाँ पहले तो वो कुछ बोलता नहीं है, फिर ना वो मंगल के ऊपर गुस्सा हो जाता है। मंगल को बोलता है तुमने भड़काया होगा, बार बार इतने मैसेज कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश की। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल बताता हूँ, चल। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं माने? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था सीधा, क्रिमिनल ऑफ द ईयर। बार बार इतना फोन कर रही थी, ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी तुम्हें? तुम थोड़ा सा रुक नहीं सकते थे? तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस में था, यहाँ पर काम कर रहा था। तो कुसुम ये सुनकर ना और उस पर उल्टा चढ़ जाती है, और बोलती है हमने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम ऑफिस में तो गायब थे, तो ये बताओ रात में किसके साथ थे तुम और किसके घर थे। ये सुन के ना भाई अदित को डर लगने लगता है। अदित को लगता है कि सोम्या का सच ना आ जाए। और यहाँ पर सोम्या का सच तो नहीं आता, क्योंकि अदित झूठ बोल देता है। बोलता है मेरे किसी फ्रेंड के यहाँ था, उसकी तबीयत वगैरह खराब थी। और यहाँ जो कुसुम है वो मान तो जाती है, पर कुसुम के दिमाग में ना एक शक पैदा हो गया, और उसको ना बार बार सोम्या की याद आ रही है, और उसे लग रहा है कि सोम्या के साथ तो नहीं था, कि उसके संग। और ये सारी चीजें सुनकर ना भाई जो अदित है ना, वो उल्टा मंगल के ऊपर गुस्सा कर रहा है, और उसको बोल रहा है तुमने मुझे विलन बना दिया, और तुम्हें सोचना चाहिए था ये सारी चीजें करने से पहले। बार बार तुम यही करती हो मेरे माँ बापों के सामने, तुम मुझे ही गलत ठहरा देती हो। और यहाँ पर भाई वो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर कुसुम ना उसको बताती है कि तुम्हें पता नहीं है भगवान बन के आई थी जो मंगल है ना, उसने तुम्हारे पापा की जान बचाई है, यहाँ पर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, और तुम्हें तो ये सारे होश ही नहीं थे। और फिर ये सब सुनने के बाद ना अदित मंगल को थैंक यू बोलता है, और यहाँ पर मंगल को बड़ा अच्छा लगता है।